हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वन पीस अम्ब्रेला कट सूट की कटिंग करना बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें कम से कम 2.5 से 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर आपके पास 3 मीटर कपड़ा है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप इसके लिए कम से कम 3 मीटर कपड़ा लें और कोशिश करें कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो जब आप इसके लिए कपड़ा लें। तो इस तरह से आप 3 मीटर कपड़ा लेके उसको आप डबल कर लें। मेरा ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा नीचे बच जाएगा, तो पहले आप इसको डबल कर लें। बीच में से फोल्ड करने के बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए, ये हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है और इसके बाद हम इस साइड इसमें पहले अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे और फिर बाकी निशान लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो मुझे अपने शोल्डर 7 इंच रखने हैं। पहले हम एक निशान 7 इंच पर लगाएंगे। जो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है वो ये है, देखिए जहाँ पर हमारा ये 7 इंच है वहाँ से हम अपनी ये लेंथ नापते हैं, तो ये कॉर्नर हमारा 12.5 इंच पर है। तो इस निशान को हमें इस तरह से लगाना है, कम से कम ये हमारा 2 इंच यहाँ पर कम होना चाहिए, तब हमारी ये बिल्कुल सीधी कटिंग होगी। अदरवाइज जैसे ट्राइंगल शेप में है ऐसे हमारे शोल्डर की कटिंग हो जाएगी। तो जैसे यहाँ से 12.5 है यहाँ तक, तो यहाँ पर हमारा 10.5 इंच, इस तरह से हमें एक निशान 10.5 इंच पर लगा लेना है और तब हमारा ये सीधा होगा इस तरह से। देखिए, ये निशान अब हमारा सीधा आएगा। तो 2 इंच का आपको इसमें गैप रखना है। अगर आप इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। इसमें शोल्डर का निशान लगाने के बाद हम यहीं से अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो अपने आर्म होल 36 चेस्ट के हिसाब से आप 7 इंच भी रख सकते हैं और 7.5 इंच भी, तो दोनों आपके सही आएंगे। तो ये मैं 7 इंच रख रही हूँ। तो देखिए, जैसे हमने अपने आर्म होल का निशान लगाया है यहाँ पर, ये थोड़ा यहाँ था, तो यहाँ से भी आप देख लें 7 इंच होना चाहिए। देखिए इस तरह से, तो ये बिल्कुल सही आएगा, इस तरह से आप देख लें। फिर यहीं से हम अपनी चेस्ट का 4th भाग लगाएंगे। जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा लूज रखूँगी, इसलिए मैं 9.5 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको लूज भी रख सकते हैं। इसके बाद हम यहीं से जैसे अपनी बाकी कुर्ती पर निशान लगाते हैं सेम तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से 7 इंच पर या 7.5 इंच पर अपनी कमर का निशान लगाएंगे और यहाँ से 13.5 इंच पर अपने हिप का निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको कमर से ही से एकदम इसको लूज कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम इसकी हिप से हिप के पास तक हल्की सी फिटिंग रखेंगे, फिर हम इसको धीरे धीरे तिरछी शेप देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी कमर का 4th भाग लगाएंगे। कमर 32 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच, तो इसको भी मैं थोड़ा लूज रखूँगी, ये भी मैं 8.5 इंच पर लगा रही हूँ। और इसके बाद जो निशान हमने हिप के लिए लगाया है वहाँ पर भी हिप का 4th भाग लगाएंगे। हिप 36 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, लेकिन ये भी मैं 9.5 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हल्का सा हम लूज रखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके बाद हम सबसे पहले ये निशान आपस में मिला देंगे। देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर करीब 0.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे, जो हमारे आगे के आर्म होल होंगे। जैसे हम अपनी बाकी कुर्तियों में लगाते हैं, इसको हम ऊपर मिला देंगे। पहले हम पीछे के आर्म होल को यहाँ से गोलाई देंगे, फिर यहीं से इस निशान पर मिलाते हुए हम आगे के आर्म होल को गोलाई देंगे। इसके बाद यहाँ से करीब 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। आप इसमें एक्स्ट्रा जितना रखना चाहो उतना रख सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी शेप में हम ये निशान लगाएंगे और हिप के पास से हम थोड़ा कम कर देंगे। इसके बाद हम इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, तो जितनी हमें इसकी तैयार लंबाई रखनी है उससे कम से कम हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे मोड़ने के लिए और ऊपर शोल्डर की सिलाई के लिए। तो हम इसकी लेंथ इस तरह से रखेंगे, जो हमारे शोल्डर का निशान है यहाँ से हमें इसकी लेंथ रखनी है इस तरह से। तो इसकी लेंथ मैं 45 इंच रखूँगी, इसमें हमारा मोड़ने का भी आ जाएगा। और वहीं से 45 इंच पर हमें इस तरह से इसको घुमाते रहना है इंच टेप को और निशान लगाते रहना है।
शोल्डर पर ही हमें इसको रखना है। देखिए ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं, और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से हमारी लंबाई थोड़ी कम पड़ जाती है, लेकिन इस कपड़े की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए इसकी लंबाई एकदम कंप्लीट आ गई है। अगर कम पड़ती है तो इस तरह से हमारे निशान लग जाते हैं इस तरह से, और ये हमारा थोड़ा सा ये जोड़ आ जाता है यहाँ पर। देखिए इसके बाद जो हमने हिप के लिए निशान लगाया है, यहाँ से हम इसको इस तरह से हल्की हल्की शेप देते हुए हिप के निशान पर मिला देंगे। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसको हल्की सी इस तरह से गोलाई दे देंगे ऐसे। इसके बाद हम यहाँ से गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो गले की चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। यहाँ से हम करीब 1/2 इंच के आसपास इसको इस तरह से डाउन करेंगे शोल्डर की साइड। अब हम इसकी इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। पहले हम पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है। देखिए या तो आप इसको यहाँ से हल्की सी ये शेप दे दें, यानी यहाँ से इसके जो हो सकता है पहनने के बाद आपके कॉर्नर थोड़े निकल जाएं, या तो आप इसको यहाँ से हल्की सी शेप दे दें, या फिर इसको हल्का सा यहाँ से कम कर ले घेर को, तो ये बिल्कुल सही शेप आएगी हमारी। हम हल्का सा इसका घेर कम कर लेते हैं तो ये हमारे कॉर्नर नहीं निकलेंगे, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम सबसे पहले जो हमारे नेक की चौड़ाई है उस पर हमने जो निशान लगाया है वहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। पहले जैसे हमने 3 इंच अपने नेक की चौड़ाई रखी है तो हम 3 इंच पर एक कट लगा देंगे। इनको पहले हम आपस में सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम पीछे के हिस्से को अलग कर लेंगे, आगे के आर्म होल को हम गहराई देंगे जो हमने निशान लगाए हैं। ये हमारा पीछे का हिस्सा है। इसके बाद हम पीछे के नेक की कटिंग करेंगे। चौड़ाई के लिए हमारा निशान लगा हुआ है तो पीछे का नेक मैं छोटा ही रखूँगी, करीब 3.5 इंच। यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको हम गोलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और आगे का नेक आप बुकरम पर बना लें, जो भी नेक आपको पसंद है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मुझे इसमें छोटे स्लीव्स लगाने हैं, यानी 3-4 इंच की मुझे इसमें स्लीव्स लगानी है, तो ये मेरे साइड में से बचा हुआ कपड़ा है तो छोटी स्लीव्स इसमें से भी निकल जाएंगी। मैंने इसको काट लिया है साइड में से, और इसको हम इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ से भी इसको इस तरह से करेंगे। देखिए ये करीब करीब इस तरह से स्लीव्स की शेप में ही हमारी इसकी कटिंग हो रही है। तो पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो मुझे इसकी लेंथ जैसे 4 इंच रखनी है तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं यहाँ से इसकी लेंथ ले रही हूँ। 6 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे तो 6 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपना, देखिए सबसे ईजी तरीका मैं आपको स्लीव्स निकालने का बता रही हूँ, ये हमारा आर्म होल है तो इसको आगे का आप आर्म होल ले लें इस तरह से, जो हमारा यहाँ पर ये निशान है इसको आप इस तरह से खींचिए। यहाँ पर आपकी स्लीव्स ऐसे छोटी नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर एक निशान लगा दीजिए और इस तरह से आप इसको शेप दे दें। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, यहाँ से देखिए इस जगह से 3 इंच पर पहले आप एक निशान लगा लें। यहाँ से ये हमारा गैप 3 इंच के आसपास होना चाहिए, तब आप इसको रखें इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको रख के बताया था इस तरह से। और ये हमारी दोनों स्लीव्स है, यानी ये हमारे दो कपड़े हैं, इनको मैंने बीच में से फोल्ड किया है। इसके बाद हम इसको यहाँ से जितना हिस्सा हमें आगे से फोल्ड करना है ऐसे हम इसको सीधा रखेंगे।
और जितनी हमारी आगे से बाजू की गोलाई है, जैसे 12 इंच है तो उसके हाफ इंच, उस पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी आधे पर। करीब 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसी तरह से फोल्ड रखना है। यहाँ बीच में हम एक कट लगा देंगे और ये हिस्सा देखिए हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स खोल लेते हैं और दोनों स्लीव्स के देखिए सीधे इससे अंदर की साइड है। और अब हम आगे के हिस्से को थोड़ी सी गहराई देंगे। इस तरह से आप चाहें तो देखिए आगे के हिस्से पर इस तरह से आप क्रॉस बना लें, ताकि आपको सिलते वक्त ध्यान रहे कि हिस्से हमारे आगे की साइड आएंगे। देखिए खोलने के बाद हमारा ये वन पीस अम्ब्रेला कट इस तरह से लगता है। और मैंने इसमें देखिए बीच में प्लेटें से डाल दिया, जैसा हमारे पहनने के बाद होता है, क्योंकि अगर मैं इसको खोल कर दिखाऊंगी तो इसका घेर इतना है ये कैमरे में पूरा आ नहीं पाएगा। और कमर के ऊपर से इसकी और ज़्यादा फिटिंग होगी तो यहाँ से और ज़्यादा पतला होगा, अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, और इसका घेर और ज़्यादा लगेगा। और इसकी स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि टू पीस में तो हमें यहाँ से जोड़ना भी पड़ता है, ये बिल्कुल सिंपल इसकी सिलाई होगी, जैसे नॉर्मल सूट की स्टिचिंग हम करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।